नमस्कार, UPN08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UPN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए UPN08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UPN08 के साथ। गुना से चीफ एडिटर लक्ष्मीकांत शाह की विशेष रिपोर्ट। एक महीने अधिक से लापता है प्रधान आरक्षक विष्णुराम भगत। पत्नी ने SP से लेकर 181 तक दर्ज कराई शिकायत। मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जाँच अधिकारी कहते हैं शिकायत वापस ले लो। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। कहाँ गया बटालियन का जवान? जमीन खां गई या आसमान निगल गया? जिम्मेदार अधिकारियों का लापरवाह रवैया। कहते हैं ढूंढ रहे हैं, आ जाएगा। मामला बहुप्रसिद्ध मां जालपा माता मंदिर की सुरक्षा में तैनात प्रधान आरक्षक विष्णु राम भगत। गुना के 26वीं बटालियन की एक कंपनी में पदस्थ। क्वार्टर संख्या क्रमांक 78 में रहने वाले विष्णु को आखिरी बार साथी पुलिसकर्मी ने 20 अप्रैल 2022 की सुबह ड्यूटी पर देखा था। इसके बाद लापता हो गए। शुरुआती में लगा लगभग 12 घंटे परिजनों और साथियों ने भी गौर नहीं किया, लेकिन अगले दिन 21 अप्रैल को ये समझ आ गया कि विष्णु मौके पर नहीं है। परिजनों को सूचना दी गई। तब से लेकर आज तक विष्णु की पत्नी मगन भगत का संघर्ष अपने पति को ढूंढने के लिए जारी है। वापस ले लो विष्णु राम भगत के संबंध की लापता मामले में उच्चवास टीम ने गुना SP राजीव कुमार मिश्रा एवं राजगढ़ SP प्रदीप शर्मा से स्थिति जाननी चाही, तो दोनों अधिकारियों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे पति विष्णु राम भगत 26 बटालियन एक कंपनी में पदस्थ हैं और वो 20 अप्रैल से लापता हैं और मैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच मेरा बात हुआ। उसके बाद में मैं कई बार ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा पाए। रिंग तो जाती रही लेकिन नहीं उठाए। उसके बाद में रात को भी लगाया, दूसरे दिन भी मैं 21 तारीख को मैं लगाया और उसमें भी रिंग तो गई लेकिन नहीं उठाए। उसके बाद में करीबन 11 बजे आसपास मेरे को कंपनी से एक लड़का से सूचना मिला कि आपके हस्बैंड वहाँ नहीं हैं। और उसके बाद में मैं 24 घंटा होने के बाद में गुना SP साहब के पास गई और अपना शिकायत दर्ज करवाया। और SP साहब ने बोले कि ठीक है, एकाध दो दिन देख लो और उसके बाद में यदि नहीं आएंगे तो फिर आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा राजगढ़, और वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने शनिवार को फोन के माध्यम से मैं राजगढ़ SP साहब को मैंने फोन लगाकर मैं अपना पति का गुम होने का जो शिकायत था उसको मैंने बताया कि मेरा पति वहाँ पे जलपा माता मंदिर में ड्यूटी करते ऑन ड्यूटी से लापता है करके उसको बताया। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम मोबाइल का लोकेशन देखते हैं। और जब उसी दिन मोबाइल लोकेशन मिला तो फिर भी से उन लोग कोई एक्शन नहीं लिए। उसके बाद में मैंने मंडे को वहाँ जो फिर से गई, क्योंकि वहाँ से वो लापता हुए इसीलिए मुझे वहाँ पे जाकर गुमशुदगी या जो भी हो FIR दर्ज करवाना पड़ा। हम SP से फिर मिले। उसके बाद में हम कोतवाली थाना पुलिस के पास जाकर वहाँ पे हम लोग FIR दर्ज करवाए और उसके बाद में आज तक कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसने कोई ऐसे बस बातों में रहे कि ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद में मैं बुधवार को फिर से मैं गुना SP साहब के पास फिर से गुहार लगाई और उसने कहा तत्काल 4 दिन के अंदर वो जवान का कुछ भी मेरे को सूचना मिले, ऐसे आप लोग टीम बनाओ ऐसे करके बोले, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसे आश्वासन नहीं मिला मेरे लिए। क्या नाम है आपके पति का?